फ्रांसिस गीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके सामने मैं रिव्यू करूंगी स्टे क्वर्की के लिप क्रेयॉन्स। बट रिव्यू में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज देर मत कीजिए, हिट करिए वो सब्सक्राइब बटन। और हाँ, बेल आइकन पे भी आपको याद से क्लिक करना है, तभी तो फायदा होगा सब्सक्रिप्शन का, अदरवाइज कोई भी फायदा नहीं है सब्सक्रिप्शन का। तो डू हिट सब्सक्राइब बटन एज वेल एज बेल आइकन। मैं अपना रिव्यू स्टार्ट करती हूँ। मेरे पास ये कुछ चार शेड्स हैं फिलहाल स्टे क्वर्की के लिप क्रेयॉन्स का, जो कि एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है और ये एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है purple.com पे, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। सो मेरे पास ये चार शेड्स हैं, शेड नंबर 1, शेड नंबर 3, शेड नंबर 4 एंड शेड नंबर 7। स्टे क्वर्की इज न्यूली लॉन्च ब्रांड इन इंडिया जो कि छाया हुआ है मार्केट पे और इसके प्रोडक्ट लाइक ऑसम है एंड व्हेन इट कम्स टू लिपस्टिक तो मतलब फाड़ देता है हर चीज। सो आई थॉट ऑफ ग्रैबिंग दीज क्रेयॉन्स। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इसके कॉस्ट से, बट कॉस्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ प्लीज डू इग्नोर माई ऑयली हेयर, मतलब मैं सेट कर करके परेशान हो गई बट ये जगह पे यू नो नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल सेट नहीं हो रहे, दिमाग खराब कर रहे हैं। चल एनीवेज रिव्यू से मतलब होना चाहिए, स्टार्ट करते हैं हम इनके कॉस्ट से। इस क्रेयॉन का कॉस्ट है 225। आई नो आप बोल रहे हो कि बिल्कुल भी एफोर्डेबल नहीं है, 225 पर क्रेयॉन बहुत ज़्यादा होता है, बट बिलीव मी purple.com पे मोस्ट ऑफ द टाइम सेल चलती रहती है स्टे क्वर्की और दूसरे ब्रांड्स पे, तो आपको ये ऑलमोस्ट हाफ रेट पे पड़ जाएगी। और इसकी जो पैकेजिंग है कुछ इस तरह की कार्डबोर्ड से पैकेजिंग में आता है ये, जहां यहां दिया जाता है इंग्रेडिएंट की लिस्ट, देन यहां दिया जाता है इसका कॉस्ट जो है 225 रुपीज। ये मैन्युफैक्चर हुई है 2019 में, रिसेंटली मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है और 2021 में ये एक्सपायर होगा। इसका मतलब है 3 साल तक आराम से बिंदास चल जाएगा ये प्रोडक्ट, सो विच इज क्वाइट गुड। और इसमें आपको कितना ग्राम ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, यस इसमें आपको मिलता है 2.8 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। सो ये था इसकी पैकेजिंग और कॉस्ट। अंदर से खुलने के बाद ही कुछ इस तरह का दिखेगा, सिल्वर से इसकी पैकेजिंग है, बहुत ही अच्छी लगती है। सी थ्रू कैप है जिससे आप अपनी लिपस्टिक का शेड देख सकते हो और इवन इसके पीछे भी शेड नंबर और शेड नेम दिया जाता है, विच इज क्वाइट गुड, बट दिस रियली डजंट मैच योर लिपस्टिक शेड। तो इसका कैप भी लूज नहीं है, अच्छे से बंद हो जाता है, दैट मीन्स ये ट्रेवल फ्रेंडली है, आराम से आपके पॉकेट में आ जाएगा, सो कोई दिक्कत नहीं है उससे। बहुत अच्छी पैकेजिंग है इसकी। और इसके पीछे का भी आई थिंक यस, इसके पीछे का जो ये हिस्सा होता है ये भी आसानी से नहीं निकल रहा है, विच इज क्वाइट गुड बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्रेयॉन्स या यू नो ऐसे पेंसिल प्रोडक्ट होते हैं उनके पीछे का जो ये हिस्सा होता है निकल जाता है। सो इसकी पैकेजिंग मस्त है, बहुत अच्छी है। सो वट आई डोंट लाइक अबाउट दिस क्रेयॉन्स इज दैट कि ये रिट्रैक्टेबल नहीं है, हमको शार्पन करना पड़ेगा, बट दैट्स ओके, अगर आपके पास शार्पनर है तो ठीक है, नहीं तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। दीज आर एक्चुअली क्वाइट गुड क्रेयॉन्स, लॉन्ग लास्टिंग क्रेयॉन्स है, ये ट्रांसफर भी होते हैं क्रेयॉन्स। लेट मी शो यू लाइक किस को टेस्ट करने पे, देखिए ये ट्रांसफर हो रहा है, मैं जितनी बार यू नो किस कर रही हूँ उतनी बार ये लिप्स से निकल रहा है, बट यू कैन सी वो लिप्स पे अभी भी ऐसा ही दिख रहा है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। आप चाहे एक बार खाओ दो बार खाओ ऐसे के ऐसा ही रहता है, बहुत हल्का पुल्का निकलता है, ना के बराबर निकलता है। एंड दीज आर क्वाइट लॉन्ग लास्टिंग क्रेयॉन, पूरा निकल भी जाता है तो लिप्स पे स्टेन छोड़ जाता है, और वो स्टेन ऐसा नहीं है कि कुछ एक आध घंटे में चला जाएगा, वो लॉन्ग लास्टिंग स्टेन छोड़ता है आपके उस पर, यानी ऑलमोस्ट पूरा दिन तक ये स्टेन आपके लिप्स पे रहेगा, विच इज क्वाइट गुड। और अगर आप इनके फॉर्मूला की बात करो तो इनका फॉर्मूला है क्रीमी मैट, बट आप अगर विंटर्स में लगाते हो ये पूरी की पूरी मैट लगती है, और ग्लाइड होने में भी बहुत आसानी से ग्लाइड होती है, काफी पिगमेंटेड है ये, एक स्वाइप ही काफी होता है आपके लिप्स को कवर करने के लिए, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है इनका, इतनी पिगमेंटेड है ये लिपस्टिक। एक तो एक ही स्वाइप में मेरे पिगमेंटेड लिप्स इसने कवर कर लिए, दूसरा मेरे जो लिप्स होते हैं सुपर डुपर ड्राई रहते हैं तो यू नो मेरे लिप्स को भी ड्राई नहीं बनाती है, विच इज क्वाइट गुड। सो मेरे जैसे लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है जिनके लिप्स सुपर ड्राई और सुपर शेप रहते हैं। सो ये थे इनके बाकी डिटेल्स, अब मैं आपको इनके हैंड स्वॉचेस बताती हूँ। सो सबसे पहला जो स्वॉच बताऊंगी वो मैं बताऊंगी शेड नंबर 1 का। सो देखिए एक स्वाइप किया है मैंने और इतना पिगमेंटेशन कमाल है। सो देखिए आप, सो ये है शेड नंबर 1, बहुत ही प्यारा सा डार्क पिंक शेड है ये। इफ यू लुकिंग फॉर डार्क पिंक देन गो फॉर दिस शेड, सुपर डुपर ऑसम कलर है, एंड इस पूरे जितने भी शेड है मेरे पास उसमें मेरा फेवरेट है ये शेड नंबर 1, विच इज डोंट स्टॉप लिकिंग। जो दूसरा शेड मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है शेड नंबर 3, बाइटिन यू नो वॉट। सो लेट मी शो यू
शेड नंबर टू, सॉरी शेड नंबर थ्री. दिस इज शेड नंबर थ्री विच इज पिंकिश रेड कलर. सो लेट मी शो यू द स्वॉच ऑफ शेड नंबर फोर विच इज स्मोकअप आफ्टर क्लाइमैक्स. सो स्मोकअप आफ्टर क्लाइमैक्स इज अ पर्पलिश शेड. दिस इज हाउ शेड नंबर फोर लुक्स. बहुत ही अमेजिंग शेड है, पर्पलिश है ये दिखाई दे रहा है आपको. बहुत ही प्यारा कलर है. सीरियसली वॉन्ट टू गो फॉर डार्क पर्पल, गो फॉर दिस शेड. इट्स एन ऑसम कलर. और लगता है कि पर्पल सूट नहीं होगा, बट सूट होता है मोस्ट ऑफ द इंडियन स्किन टोन पे ये. और जो लास्ट शेड है वो है शेड नंबर सेवन, सॉसेज लव. सो इसके भी मैं आपको स्वॉचेस दिखा देती हूँ. सो दिस इज हाउ शेड नंबर सेवन लुक्स. ये ऑरेंजिश रेड कलर है. और जिसको ऑरेंजिश रेड चाहिए, प्रॉपर रेड, जिसको पसंद नहीं है, पिंकी रेड पसंद नहीं है, तो गो फॉर दिस कलर. इट्स एन ऑरेंजिश रेड एंड इट्स ब्यूटिफुल. सो दीज आर द स्वॉचेस. मैं आपको ध्यान से दिखा देती हूँ. दिस इज नंबर वन, दिस इज नंबर थ्री, दिस इज नंबर फोर एंड दिस इज नंबर सेवन. सो ये तो इसके हो गए हैंड स्वॉचेस. आप बढ़ते हैं इसके लिप स्वॉचेस की तरफ.